हम इस्कॉन वृंदावन में हैं और ये हैं सोना यादव अलीगढ़ से। राधे राधे जी, राधे राधे जी। तो क्या नाम है जी इनका? इनका नाम घर का गोपू नाम है। गोपू जी, गोपू नाम है। अरे प्यार में। अच्छा। वैसे इनको मतलब घर पे मम्मी पापा वगैरह होते हैं, हाँ, तो लल्ला ही कहकर पुकारते हैं। जय हो लल्ला लल्ला। तो ये आपके फ्रेंड्स हैं? जी ये मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कब से हैं गोपू जी आपके पास, लल्ला जी? जे 2 इयर्स से हैं। 2 इयर्स हैं जी। तो ये कैसे आपको आइडिया आया, मतलब कैसे इनसे, कैसे इनका आना हुआ? इनका आना मेरे मन में तो मतलब बचपन से इनकी एक उमंग उठती थी। अच्छा। हाँ, कि मेरे पास लड्डू गोपाल आए। अच्छा। तो फिर अचानक से ऐसा हुआ कि एकदम लड्डू गोपाल गए तो गोपू ही आ गया पूरा। हाँ, गोपू आ गया पूरा। हाँ, क्योंकि अच्छा। मुझे शुरू से इनमें ज्यादा चाहत है। अच्छा जी, बिल्कुल। फिर हम इनको लेके आए थे। अच्छा। कानपुर के पास बांदा है। अच्छा। वहाँ से हम ऐसे शॉपिंग करने गए थे। अच्छा। अचानक से मुझे इनका एक दृश्य दिख गया था। अच्छा। मेरे मन को मतलब बहुत ज्यादा भावुक कर गया था अंदर से। अच्छा जी, बिल्कुल। मतलब ये वहाँ आपको एक इनकी छवि दिखी, तो क्या क्या लीलाएं दिखाते हैं ये? लीला ये दिखाते हैं कहीं जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए मतलब चली जाऊँ, हाँ, तो एकदम ऐसा लगता है इनका फेस जैसे उदास बैठे हैं। ओ अच्छा। हाँ, वाओ जी। कभी कभी ऐसा मतलब हुआ है मेरे साथ कि मैंने इनको बताया नहीं और अचानक से घर से निकल गए हैं। हाँ, तो जैसे वापस लौट के आते हैं ये निकल जाते हैं। अच्छा, आप निकल जाते हैं बिना बता के? हाँ, कभी कभी ऐसा मतलब हो गया कि मैंने बिना बता के इनको कहीं भी निकल गए। हाँ। तो जैसे मैं लौट के आऊँ वहाँ से तो ऐसा लगता है कि उदास से बैठे हैं। ओ, ये अपना मतलब कई रूप दिखाते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी उदास होते हैं। ये सिर्फ मुझको ही मतलब मेरे पास 24 घंटे रहते हैं, मैं इनको भगवान की तरह रखूँ। अगर भगवान की तरह रखे जाएंगे तो पूजा नहीं हो पाएगी। मैं इनको एक बच्चा बना के रखूँ कि मेरे घर का एक बच्चा है छोटा। अच्छा, मतलब एक आप इसको एक भाव में रख रहे हो कि मेरा मित्र है, मेरा बच्चा है। अच्छा, और वैसे फिर ये लीला दिखाते हैं? वैसे लीला दिखाते हैं, मतलब जैसे आप कभी कभी मैं इनसे कहूँ कि कान्हा जी आज मेरे ख्वाब में आना। हाँ। वो भी राधा जी के साथ में। हाँ। तो मेरे साथ अक्सर ये 2 बार हुआ है, परसों भी हुआ था मैंने। हाँ। एक दिन पहले ऐसे मेरे मन में मतलब आंसू से आ गए थे, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साथ में। हाँ। तो ऐसे मैंने थोड़ा उदास हो कहा था कान्हा जी आज मेरे ख्वाब में आना। हाँ। अगर नहीं आए तो हम ये सोच लेंगे कि तुम्हें हमारी सेवा अच्छी नहीं लग रही है। हाँ। तो इन्होंने अचानक ही आके राधा जी के साथ आके लिया। राधा जी, आपने राधा जी के दर्शन किए? जी, राधा जी के दर्शन। अरे जय हो, हमारे जरा सिर पे हाथ रख दोगे जरा? जय हो, जय हो, जय हो। जब भी मैं इनकी पूजा करूँ, पता नहीं कहते हैं पूजा करते हुए रोती नहीं है, नहीं थी, मेरे मन से मतलब अचानक ही भाव आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। अच्छा। ये नहीं पता क्यों इनकी बात करते हुए कैसे भी। अच्छा, खाने के लिए क्या अटकलियां करते हैं? खाने के लिए क्या अटकलियां करते हैं? खाने के लिए जो सुबह हमारे घर पर बफेलो है, भैंस है। हाँ, तो उनको धोते हैं तो कच्चा दूध पिलाते हैं सुबह को। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो मम्मी मट्ठा चलाती है उसमें से जो माखन निकलता है तो सुबह सुबह कच्चा दूध का माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। अच्छा। उसके बाद जो खाना, तभी इतने खा खा के गोपू हो रहे हैं, माखन मिश्री खा खा के। उसके बाद जो खाना बनता है। हाँ। जो हम खाते हैं तो इनको वो भोग लगाते हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। 1 बजे बाद आराम करने के लिए मतलब इनको लिटा देते हैं। उसके बाद 4 बजे उठाते हैं, 4 बजे इनको चाय वगैरह पिलाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये शरारतें तो जरूर करते हैं? शरारतें बहुत करते हैं। जैसे कि? जैसे कि एक बार हम इनके कपड़े लेने आ रहे थे मार्केट में। हाँ। तो ये भी मेरे साथ थे। हाँ। जिसे मैंने बोला था मैं चलो कान्हा जी के कपड़े लेने चलते हैं। हाँ। तो कान्हा जी को नहीं ले जाएंगे हम, ऐसे चलते हैं, कान्हा जी को घर पे ही छोड़ते हैं। हाँ। तो इन्होंने क्या काम करा, मेरा जो पर्स था वो बैग में रखा था। हाँ। बैग की जगह फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरा पर्स कहाँ है, मुझे कपड़े लेने के लिए जाना है। हाँ। तो पर्स नहीं मिला मेरे को 1 घंटे तक, इनके घर ढूंढा, इनके घर ढूंढा, नहीं मिला पर्स। उसके बाद जी यहाँ बैठे थे, इनका स्थान था, उसके पीछे पर्स मिला था मेरा। अच्छा। मैंने कि सॉरी मुझसे भूल हो गई, आपको ले चलेंगे कपड़े खरीदवाने के लिए, तो साथ में ले गए थे। यार आपने देखा, ये मतलब कि बाजार में कपड़े खरीदने जा रही थी, इनका पर्स छुपा लिया, ढूंढती रही। उनका मकसद छुपाने का ये था कि मुझे साथ लेके जाओ, 1 घंटे तक घूमती रही ये। अरे वाह यार, वाह वाह वाह। उसके बाद फिर अचानक से मेरा पर्स मिल गया, फिर इनको साथ में लेके गए। हाँ। इनकी पसंद के कपड़े आए थे। उसके बाद फिर ऐसा लगा चेहरा जैसे कि कितने खुश है, मतलब इनकी चीजें आएंगी तो कितने खुश है। खाटू श्याम भी इनको ले गए थे घुमाने के लिए। मतलब कि ये चेहरे पे वो ही भाव ले आते हैं, अगर भाव ले आते, मतलब गुस्से वाला, प्यार वाला, प्यार वाला और खुश वाला, खुश वाला।
हर तरीके की मतलब लीला दिखाते हैं। खाटू श्याम भी अचानक से अपने आप ही प्लान बनवा दिया था, कोई जाने का वो नहीं था, साथ में गए थे। जाओ तो बाहर बहुत प्यार भाई, बहुत अच्छा लगा सोना जी आपसे। और मैं ये बैठे हुए मेरे सामने, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि बस साक्षात बैठे हैं ठाकुर जी। और इनके ना चेहरे पे एक अलग सा वो है, नूर है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे बातें बोल रहे हैं। अट्रैक्टिव फेस है, देखता है तुरंत इनकी तरफ खिंचा चला आता है। वैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, कहते हैं कि स्टूडेंट को मतलब इतनी ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, बट मेरा सब मैनेज हो जाता है। इनका ख्याल भी रखना, अपनी पढ़ाई भी करना, और जहाँ भी जाऊँ साथ में लेके जाऊँ, बस इसी हाथ पर लटके रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरी बोल, अमेजिंग वीडियो, वाओ, थैंक यू वृंदावन मैजिक।